जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम मलिक। और आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल शायरा मौजूद हैं, हज़ारों नज़में लिखी हैं और बेशुमार किताबें लिखी हैं, मोहतरमा नीलम बशीर साहिबा अफसाना नगार हैं और उनसे जानेंगे वो ख़वातीन के डी के हवाले से क्या कहेंगे। और टोबा टेक्सिंग में आकर आपने कैसा महसूस किया? जी बहुत शुक्रिया, टोबा टेक्सिंग में पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लगा और मुझे तवक्को नहीं थी कि इतने बाज़ौक लोग यहाँ हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में शायरी सुनी और इसमें रेहाना कमर साहिबा का बहुत क्रेडिट जाता है और कि वो इसमें अदब की और शायरी की यहाँ तरवीज और तरक्की के लिए काम करी हैं, बहुत मुबारक हो उनको। और टोबा टेक्सिंग के लोगों का प्यार आपने कैसा देखा है? अच्छे हैं, जाहिर है हमें पूछ रहे हैं, हमें अच्छा ही है ना। नहीं, खुशी की बात यह है कि छोटे शहर होने के बावजूद बड़ा अदबी शौक़ रखते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये खुशी की बात है। एक ख़वातीन डे के हवाले से डे गुजरा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, ख़वातीन के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने ख़वातीन के लिए भी बड़ी नज़में लिखी हैं, उसमें मैं दो लाइनें आपको सुना देती हूँ। मैं उनके हक़ में बहुत बात करती हूँ, वो लिखी थी, जागो जागो जगदियो कुड़ियो पोली पाली चिड़ियो, जागो जागो। मैं असल पंजाबी नज़मा लिखनी है। ठीक हो गया। हाँ। जी ये थी नीलम बशीर साहब। पाकिस्तान की औरत जी तरक्की करे, तालीम हासिल करे, क्योंकि इस सोसाइटी का 52% हिस्सा है, तो 52 और 48 बंदे ने तो उन्होंने अपना हिस्सा जरूर पाना चाहिए मईशत और तरक्की बच्चे, और अपनी जितनी सलाहियत ने उन्होंने सामने लेके आए और बेकार ना कर, अपने आप को दिन ज़ाया ना करें। जी ये थी नीलम बशीर साहिबा जो समाज टीवी से बात कर रही थी और अपने जो असल अंदाज से गुफ्तगू थी। जी इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।